के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वागत आपके फोन कॉल्स का भी है। आप लोगों की क्या राय है, ये सियासत जो पेट्रोल डीजल पर हो रही है आपके कितना समझ आ रही है, ये हमारे लिए भी जानना जरूरी है। देश की सियासत और सरकार के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि इतना भर नहीं होता जितना आपको दिखाया और बताया जाता है। सियासत उसके बहुत पीछे तक होती है। अब बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के फैसले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए 10 सितंबर का दिन भारत बंद के लिए चुना। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत नहीं मिली है। नेशनल हेराल्ड का मामला है। कोर्ट ने आयकर विभाग के वित्तीय 2011-12 के टैक्स के दोबारा मूल्यांकन करने के नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता आयकर विभाग के सामने कार्रवाई के वक्त अपनी शिकायत रख सकते हैं। मार्च में जारी नोटिस को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आयकर विभाग के मुताबिक राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने का खुलासा नहीं किया था। 16 अगस्त को आयकर विभाग के टैक्स के एक बार फिर से मूल्यांकन के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि यंग इंडिया कंपनी एक चैरिटेबल संगठन है। यंग इंडिया कंपनी ने शेयर धारकों को अभी तक एक रुपया भी नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आयकर विभाग ने आयकर की गणना गलत तरीके से की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से ASG तुषार मेहता ने कहा कि वे कोर्ट के सामने मूल दस्तावेज पेश करने के लिए तैयार हैं। इस बीच बीजेपी का क्या आरोप है? बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को पता था कि 10 तारीख को उनके खिलाफ फैसला आने वाला है, इसलिए उससे ध्यान भटकाने के लिए 10 तारीख को भारत बंद बुलाया गया। सुनिए जरा। भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त थे, जिन लोगों का पूरी तरह से जमीर बंद था, आज जानबूझकर उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था, क्योंकि उनको पता था कि हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड के केस में हियरिंग चल रही है और आज ही के दिन उस सुनवाई का नतीजा आएगा, आज ही के दिन वर्डिक्ट आएगा। और जो चोरी करता है, जो टैक्स इवेजन करता है, स्वाभाविक रूप से उसके मन में उत्तर होते हैं। द गांधी फैमिली, इंक्लूडिंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी एज वेल एज सोनिया गांधी, दे न्यू वेरी वेल दैट टुडे दे आर गोइंग टू लूज द केस इन दिल्ली हाई कोर्ट। ये तमाम चीजें चल रही हैं देश में, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार टकरार हो रही है। इस टकराव के बीच कुछ पुराने खिलाड़ी भी मैदान में उतर रहे हैं। पुराने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम दावों को झूठा और विफल करार देते हुए आरोप लगाया और सभी विपक्षी दलों से आह्वान किया कि वो एक साथ आकर देश की एकता और अखंडता और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दें। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं का शामिल होना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका फायदा उठाते हुए मोदी सरकार को बदल देना चाहिए और वो वक्त आ गया है। इतनी बड़ी मात्रा में अपोजिशन पार्टियों का इकट्ठा होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला है, जिसका हमें पूरा फायदा उठाते हुए एक ऐसी मुहिम लानी चाहिए कि देश की जनता की जो आप पुकार है कि तो मोदी सरकार बहुत कुछ कर चुकी है जो देश के हित में नहीं था, अब ये हद से भी पार कर गई है और इस सरकार को अब बदलने का मौका आने ही वाला है।
जी हाँ, मनमोहन सिंह का बयान बहुत मायने रखता है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात हो, महंगाई का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, सबसे ज़्यादा निशाने पर यही रहते थे। विपक्ष रोज सड़कों के ऊपर उतरता था, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करता था, सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग की जाती थी। उस वक्त आरोप लगते थे कि देश में इतना सब कुछ हो रहा है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, विपक्ष सड़कों के ऊपर है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार देश में बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर रसोई गैस के दाम हो, इनमें इतना इजाफा हो रहा है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं। मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा जाता था, उनकी चुप्पी के ऊपर सवाल उठते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मौनी बाबा बन गए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं कई विपक्षी दल जिनका ये कहना है कि वो महंगाई के मसले पर, पेट्रोल डीजल के दाम के मसले पर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े होकर वो चुनाव में भी जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार में आज की तारीख में इतना घमंड आ गया है के भारत बंद के बावजूद, लोगों के सड़कों पर उतरने के बावजूद, आज फिर उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को इतना घमंड है कि जब आज तमाम दल कहीं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी दिन डीजल पेट्रोल और बढ़ा दिया। अगर आज सुबह आपने देखा होगा कुछ जगह पर कुछ पैसा और बढ़ा दिया। सरकार को देखो कितना घमंड है। ये कहीं ना कहीं अहंकार है सरकार का कि महंगाई से क्या होगा। सरकार तो ये भी कह सकती है कि महंगाई से खुशहाली आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह सकते हैं कि जो महंगाई है, महंगाई और बढ़ेगी तो और खुशहाली आएगी। इनसे पूछिए, यही जगह थी ये विधानसभा, यहाँ पर आलू के किसान आलू डाल के गए थे। मुझे आज बता दें कि किस किसान का इन्होंने आलू सरकारी कीमत पे खरीदा है, एक किसान का नाम बता दें। जी हाँ, ये तमाम विपक्षी दल हैं जो आज की तारीख में एकजुट नजर आ रहे हैं। अलग अलग मसलों पर, अलग अलग मौकों पर हमने देखा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नेतृत्व करती हुई नजर आती है और ये तमाम दल उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जब भारत बंद की बात आई तो ये तमाम दल इकट्ठे नजर आए, और जब ये इकट्ठे नजर आए तो एक बार फिर महागठबंधन की तस्वीर देश के सामने उभरी। महागठबंधन जो चुनौती देने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, जो सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में है, जबरदस्त मजबूती के साथ सरकार जो चल रही है, कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है। ये तक दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ 2019 में बल्कि अगले 50 साल तक बीजेपी को कोई सत्ता से बाहर नहीं कर सकता। कैसा होगा, आपकी क्या राय है, वो आमंत्रित है, वो हम जानना चाहते हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो डायल करके आप हमें बताइए ताकि आपकी बात तमाम लोगों तक पहुंचे, देश की सियासत और सरकार तक पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।